Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. And in today's class, we are going to talk about unit number 3, Determination of Income and Employment, जिसमें हमारा सब टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, इट्स टाइप्स जो कि नीचे दिए हुए हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इट्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. सो इससे पहले कि मैं ये सारी चीजें स्टार्ट करूँ, आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि और कुछ पढ़ो ना पढ़ो इसमें, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर जरूर समझना कि किस तरीके से इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है और क्यों होता है. ठीक है, ये आपके इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है जबकि ये आपके जो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है. तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसी क्यों होती है, हु यू नो मेक्स द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड और आई शुड से दैट हु डज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड हु डज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, करता कौन है. तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले चीज जो आती है डेफिनेशन. अगर डेफिनेशन नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता. यही चीज आप लोगों ने 11th चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, दैट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट मींस द एक्सपेंडिचर. ये वो एक्सपेंडिचर होता है विच इज मेड बाय द प्रोड्यूसर, यानी कि फर्म, जो फर्म करती है ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स विच लीड्स टू, जिसकी वजह से इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है या फिर इंक्रीज इन प्रॉफिट होता है. अगर आप लोगों ने 11th में थोड़ा सा ध्यान दिया है तो आपको इसके बारे में पता होगा. So it is the expenditure made by the firm to create new capital assets which leads to increase in production capacity of an economy. Now if we talk about the concept which was given by Professor J.M. Keynes, to unhone ek cheez batai hai that whenever we talk about investment we don't consider financial investment. हम कभी भी फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं. नाउ व्हाट इज फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, इनमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो बेसिकली इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर J.M. Keynes. बट येस, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग और परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी की सारी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, परचेज ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल बेसिकली, तो वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, चेंज इन स्टॉक जिसे हम बोलते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. बाकी इन्वेस्टमेंट दो तरीके की हो सकती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. समझिए चीजों को कि ये दोनों क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. आपको यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स जिनके बेसिस पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा आगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर. डिफरेंशिएशन हमारा होगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बीच में. सो इफ यू टॉक अबाउट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यू कैन कीप ऑन राइटिंग द पॉइंट्स विच यू वॉन्ट टू राइट. लिख लीजिए, नोट बना लीजिए अपने, सो दैट काम आए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं लिखी हुई है और बुक में तो सब कुछ दिया हुआ है, भर भर के दिया हुआ है. आपके दिमाग में कितना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर. सो इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट. दिस इज द इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट है विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मेरा प्रॉफिट होगा तो पैसा लगाऊंगा. पापा ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ दिखा प्रॉफिट तो उसने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया. उन सारी चीजों से अगर हट के हम बात करें, किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो व्हेन प्रॉफिट इज देयर देन यू आर इन्वेस्टिंग. तो प्रॉफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज इट इज डन बाय प्राइवेट सेक्टर. यहां देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सारी चीजें याद हो जाएंगी. ऐसा कुछ नहीं है, एक कंसेप्ट. इकोनॉमिक्स की सबसे प्यारी बात क्या है, आप एक चीज पे फोकस कीजिए, 10 चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी. ठीक है, अब देखो यहां पर से ये मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट की वजह से होता है एंड इट इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज्यादा ये होता है प्रॉफिट 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 प्रॉफिट. ठीक है, नाउ इट इज इनकम इलास्टिक. अब इनकम इलास्टिक का मतलब होता है, ये थर्ड पॉइंट है यहां पर, इनकम इलास्टिक का मतलब होता है व्हेन योर इनकम विल राइज. इनकम यानी कि वाई, इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर व्हेन योर इनकम विल इंक्रीज. इफ इनकम इंक्रीजेस, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. अपवर्ड स्लोपिंग ऑब्वियसली, जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो अपवर्ड रिलेशनशिप ही दिखाएगा. अंडरस्टूड है, तो ये यहां पर लिख भी देते हैं भाई कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों में. आप देख लीजिए बेटा, यहां पर इनकम इंक्रीज हुई,
इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, एक डिक्रीज भी करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, यहां पर सबसे पहले इनकम डिक्रीज हुई, देन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो है इनकम, और इसके ऊपर जो डिपेंडेंट फैक्टर है वो है इन्वेस्टमेंट। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो जैसे जैसे आपका आपकी इनकम इंक्रीज होती है, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है, वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। डोंट फॉरगेट वन पर्टिकुलर थिंग, दैट इट इज डन फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऐसा किया जाता है। आगे आ जाइए, आपके डाउट्स हैं तो आप हमें चैट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई विल टेक अप योर डाउट्स एंड आई आंसर यू, यू नो, राइट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? नाउ ऑटो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ पढ़ो मत पढ़ो, इन्वेस्टमेंट में इसको जरूर पढ़ो भाई, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा जो चीजें बता रहा हूं ना, एग्जाम में आएंगी वो चीजें याद रख लेना। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब उसका इनकम से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि इट इज इनकम इनइलास्टिक, डिफरेंस करने की बात आती है। मैं अगर मेरे यू नो एक्सपीरियंस की बात कहूं तो आज तक कभी ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस नहीं पूछा गया। इंडिविजुअली ये चीजें पूछ ली गई हैं तो कम आएगा, लेकिन आप हर एक चीज के लिए तैयार रहिए। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड बेसिकली इट इज डन बाय द गवर्नमेंट। डोंट फॉरगेट, पीछे प्राइवेट सेक्टर करता था, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। नाउ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज नॉट यू नो बेसिकली इंड्यूस्ड बाय द प्रॉफिट। गवर्नमेंट को पता है कि मुझे ये रोड बनानी है, इसका कंस्ट्रक्शन करना ही करना है, चाहे मुझे पैसा मिले या ना मिले, मुझे करना है। अगर कोरोना की वजह से जो है रिसेशन आ गया तो उसको रिकवर, उसको ठीक करना है, करेक्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि मैं वेट करूंगा, अच्छा अदानी इन्वेस्ट करेगा या फिर अंबानी इन्वेस्ट करेगा, टाटा बिरला आएंगे इन्वेस्ट करने। नो, आई हैव टू इन्वेस्ट टू करेक्ट द इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिचुएशन बेसिकली। सो इट इज द इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, रोड्स, फ्लाईओवर्स एंड सो एंड सो। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको शायद मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे भी कॉपी किया है, जस्ट टू मेक यू पीपल अवेयर। इट इज इनकम इनइलास्टिक, यानी कि इनकम बढ़े या इनकम घटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर कॉन्स्टेंट एट पर्टिकुलर लेवल। अच्छा ये होता है जैसे ना घर में एक छोटा सा बच्चा है तो उसका कुछ मंथली एक्सपेंडिचर होता है, कुछ भी 1000 रुपए 2000 रुपए। तो एक जब तक वो एज को अचीव करता है, जैसे एक साल का टाइम हो गया तो एक साल तक उसका एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, या मान लीजिए 2 साल तक उसका एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वेन द फिजिकल एंड मेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड विल इंक्रीज, मेंटल तो ना भी हो या हो अलग बात है, बट फिजिकल ग्रोथ जब होती है तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। मेंटल में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो कम फीस लगेगी, सेकेंड क्लास में और ज्यादा लगेगी। लाइकवाइज ऐसा नहीं है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता, इट चेंजेस बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमी गवर्नमेंट को लगा कि कभी हमारी 30 करोड़ पॉपुलेशन थी तो उसके हिसाब से हमने इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने। फिर हमारी पॉपुलेशन 60 करोड़ के हिसाब से हो गई तो एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने खर्चा किया। तो इट इंक्रीजेस बट इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट अ गिवन पीरियड। सो काफी बच्चे कहते हैं कि क्या ये चेंज हो सकता है सर, बिल्कुल कॉन्स्टेंट ही रहेगा? जी नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन फिर कॉन्स्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया एक लेवल, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है, अगले साल या 2 साल बाद फिर से इंक्रीज हुआ लेकिन ये कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज हुआ लेकिन फिर ये कॉन्स्टेंट रहेगा। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम। इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता है, इनकम इंक्रीज हो डिक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है द वॉल्यूम ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। ये मैंने बता दिया है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। अभी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इनकम से हमें कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉफिट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। इनकम आएगी नहीं आएगी, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट विल हैव टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स अबाउट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो आई डिडंट कॉपी देम हियर, हालांकि आई डोंट नो वेदर आई नीड टू कॉपी देम हियर और नॉट, बट ये शेप बेसिकली है, इसको आप बार लगा के भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर लिखा हुआ है IA हाइफन, तो
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज रिप्रेजेंटेड हियर। जितने भी डायग्राम्स बनेंगे इस चैप्टर में, उन सब में आप नेशनल इनकम या जीडीपी या फिर इनकम को एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे, और जो भी चीज आप, जो भी कर्व आप दिखा रहे हैं उसका नाम आप वाई एक्सिस पर लिख दीजिए। डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन रुपीज, इन रुपीज, क्योंकि एग्जाम में जब फुल आउट ऑफ फुल नंबर आते हैं, कभी कभी हेड एग्जामिनर या फिर असिस्टेंट हेड एग्जामिनर इसके नंबर काट लेते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव सीन दिस थिंग सो 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 मेनी टाइम्स। जब मैं पेपर चेकिंग के लिए जाता हूं तो आप लोग वो चीज जरूर एड करें। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस। देखो, हमने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा, हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा। नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आइटम्स। तो मेरे ख्याल से आप लोग खुद भी बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि भाई, ये इनकम इलास्टिक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इनकम इलास्टिक मतलब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर तो यही चाहता है। ऑटोनोमस जो है, इट हैज नो कंसर्न विद द इनकम, सो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी से इंपैक्ट नहीं होता। इट इज इनकम इलास्टिक, वही एक चीज को चाकू को खरबूजे पे डाला, फिर दूसरे पॉइंट में खरबूजे को चाकू पे डाल रहा है, घुमा फिरा के पॉइंट एक ही है। इट इज नॉट इनकम इलास्टिक। आगे आ जाइए, इट इज जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, इट इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट। इंड्यूस्ड कर्व मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। सो देयर इज अ मूवमेंट, ये मूवमेंट यहां पर होगी ऐसे, या फिर इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी हो रहा है। एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो चेंज होगा, चेंज हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट फील्स की नहीं, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा होनी चाहिए तो ये आएगा, लेकिन फिर यहाँ पर हो जाएगा, ये आई लगा देता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड है तो इसलिए यहाँ डी लिखा हुआ है। बाकी आप यहाँ पर आई रिप्रेजेंट, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। काफी बच्चे पूछते हैं इनकम को आई से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते, भाई क्योंकि इन्वेस्टमेंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कभी कभी दिमाग में रहता है, कोई एक आधा बच्चा पूछ लेता है ऐसे क्यों, तो ऐसा इसलिए। सो ये डिफरेंस हो गया दोनों में, एंड आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी और भी रिलेटेड वीडियोज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ कार्ड सेक्शन में देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट जो है पूरी की पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, वहां पर जाकर भी आप पूरी प्लेलिस्ट का आनंद ले सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स नाउ। एक हमने पॉइंट बताया कि भाई ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी भूलो इसे मत भूलो। लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग्स नाउ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब तक आपने इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मतलब फंक्शंस की जब भी बात करें तो हर एक चीज को आपने इनकम से रिलेट किया है, हर एक चीज को आपने इनकम से रिलेट किया है, डिमांड को आपने इनकम से रिलेट किया है, जो भी सारी चीजें पीछे कंजम्पशन हो गया, सेविंग हो गई। Now, what do you mean by investment function? So, if you talk about investment function, then ध्यान दीजिएगा, it tells us that private investment, यानी कि I, is a function of rate of interest. मतलब आपकी investment ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, if the rate of interest will increase. बहुत simple सी बात है, this rate of interest, आप कैसे, एंड एक और पॉइंट आता है यहाँ पर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेट करता है, इंक्रीज डिक्रीज की बात मत करिएगा अभी। तो टू थिंग्स आर रिलेटेड हियर, फर्स्ट वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द आउटसाइडर्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज योर प्रॉफिट बेसिकली। तो जब तक आपका प्रॉफिट विल बी मोर देन इंटरेस्ट पेमेंट, तब तक आप इन्वेस्ट करेंगे। द मोमेंट व्हेन योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बिकम मोर देन द प्रॉफिट, तो भाई वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। जब आपका प्रॉफिट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट हम करते नहीं है। एक तरफ आपके पास है ROI, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरी तरफ है MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ROI यानी कि इंटरेस्ट है, यानी कि ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आपको बियर करनी पड़ेगी, लेट्स से इट इज 10%, और आपका MEI जो है लेट्स से इट इज 15%। तो योर MEI इज मोर देन योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यू विल से
यस टू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे वो इसको बड़े आसानी से समझ गए होंगे। आरओआई का मतलब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मत लगाइएगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका मतलब। और दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये 10% है लेकिन यहाँ पर 9% का प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो भाई आप सिंपल सा कहेंगे कि भाई ये नो है हमारी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी मेक यू नो डिसीजंस रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, दैट वेदर वी नीड टू टेक अप एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और नॉट। सो यहाँ पर एक चीज आई है सबसे पहले, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है भाई कि इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। एक नई टर्म यहाँ पर यूज की गई है, मैं फिर से कहूंगा कॉमर्स के बच्चे थोड़ा सा फैमिलियर होते हैं इन सारी टर्म से, सो दे नो सच थिंग्स, जल्दी थोड़ा सा कैच कर लेते हैं। सो इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, बोरोइंग मनी और कैपिटल बेसिकली। इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना महंगा होगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा, आ जाइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट कम होगी, क्योंकि प्रॉफिट आपका उतना ही कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। आई होप सो कि यहां तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पर हम दो पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे अभी। द फर्स्ट पॉइंट इज, जैसे काफी बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये एक्चुअली व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो भाई ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आप बुक के हिसाब से चलें तो एक तो आता है आपका सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस का मतलब होता है भाई, यहाँ आ जाइए, एक तो आता है आपका सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस का मतलब होता है भाई कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई एसेट परचेज की, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लेट्स से आपने 10 लाख की एक मशीन परचेज कर ली। इसके बाद में इसका एक पॉइंट आता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, नेट रिटर्न। अब मान लीजिए इस 10 लाख की मशीन पे आपको यूज करने से एक साल का प्रॉफिट हुआ 1,20,000, 1.2 लाख, और उसके साथ साथ आपको कुछ वो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस या छोटा मोटा खर्चा जो होता है उसके 20,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ गए। अब टेक्निकली देखेंगे तो ये एग्जैक्ट प्रॉफिट जो हुआ है वो आपका 1 लाख का हुआ है, 10 लाख पर 1 लाख का प्रॉफिट। तो या तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, या फिर डायरेक्टली आप समझदार बच्चे की तरह एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें जो रिटर्न मिला है वो 10% का मिला है। तो इफ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लेस देन 10%, तो आप इसको अंडरटेक करेंगे इन्वेस्टमेंट को, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अंडरटेक दैट इन्वेस्टमेंट। तो MEI के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं यहां पर, दोनों आपके सामने हैं, सप्लाई प्राइस एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सो यहां पर देख लीजिए, इट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MEI एंड वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। MEI का मतलब आप आसान शब्दों में, साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि भाई इट इज योर प्रॉफिट, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको बता दिया है कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेंगे। यहां पर R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, R। तो जब तक आपका MEI, यानी कि यहां पर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, व्हेन योर प्रॉफिट वुड बी मोर देन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू वुड से यस टू द इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट को यस बोलेंगे। अगर ये भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है नहीं, अपनी जेब से कोई प्रोड्यूसर पैसा देना नहीं चाहेगा, कोई फर्म पैसा देना नहीं चाहेगी, एंड वाइस वर्सा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कर्व, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एक वीडियो में आपको सारी चीजें हमने आपको समझा दी है। आई होप सो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट है यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। आई डू रीड ऑल द कमेंट्स एंड रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और बाकी आप हमें इससे रिलेटेड और भी चीजें चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इफ यू वॉन्ट टू फॉलो अस ऑन आर सोशल हैंडल्स, देन वी आर अवेलेबल विद द नेम ऑफ मनोज जहांगीर क्लासेस ओनली।
और आप अगर चाहें तो हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। दिस इज इट फॉर योर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो ऑल ऑफ यू। टिल देन कीप वॉचिंग, मनोज जाएंगे क्लासेस।